Hello students, I am Ruchika from English Academy. Today we will study a lesson in English for students of class 9th. Ye aapki moments book ka chapter 7 hai. Chapter ka naam hai The Last Leaf. The story is written by O. Henry. First of all, let us discuss the title. The last leaf, यहाँ पर जो leaf है जिसकी बात हो रही है, ये एक artist द्वारा paint किया गया leaf है. And this last leaf signifies hope. एक बीमार लड़की को ये जो paint किया हुआ पत्ता है, जो एक artificial leaf है, वो इतना realistic है, इतना सच्चा लगता है कि वो देखती है जब ये पत्ता अभी भी सरवाइव कर रहा है, उससे उसे होप मिलती है और वो भी सरवाइव कर पाती है. और जिसने ये लास्ट लीफ पेंट किया, ये उसका मास्टरपीस होता है. और इसे पेंट करते दौरान वो बीमार हो जाता है और वो मर जाता है. तो बहुत ही टचिंग स्टोरी है. इट इज अ स्टोरी अबाउट होप एंड हाउ अ पर्सन कैन क्रिएट होप इन समवनस लाइफ. So let us read the story and we'll discuss the word meanings as we go along. Sue and Jonsi, two young artists, shared a small flat. अब ये दो लड़कियां थी, Sue and Jonsi, ये दोनों artists थी, यानी कि ये दोनों painters थी, और ये एक छोटे से flat में इकट्ठे रहती थी. The flat was on the third story of an old house. Jonsi fell very seriously ill in November. She had pneumonia. निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स. नवंबर के महीने में जॉन्सी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, उसे निमोनिया हो गया था. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. गेजिंग आउट मीन्स लुकिंग आउट. चुपचाप जॉन्सी बेड में लेटी रहती थी और खिड़की से बाहर देखती रहती थी. सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. Although he came every day, there was no change in Jonsi's condition. Jonsi की हालत देखकर सू बहुत चिंतित थी, इसलिए उसने डॉक्टर को बुलाया. डॉक्टर हर रोज आता था, लेकिन जॉन्सी की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Jonsi?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" The doctor said, "Jonsi, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her." अब डॉक्टर ने सू से ये पूछा कि क्या जॉन्सी को कोई प्रॉब्लम है. सू ने कहा नहीं, लेकिन क्या बात है. तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो कभी ठीक नहीं होगी. That means she does not have any desire to live. और डॉक्टर कहता है कि जब उसमें जीने की चाहत ही नहीं है, तो कोई भी मेडिसिन उसको इलाज नहीं कर सकती, उसे ठीक नहीं कर सकती. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. अब सू ने क्या सोचा, उसने सोचा कि मुझे अपनी फ्रेंड जॉन्सी के अंदर जीने की चाहत जगानी चाहिए, और इसलिए उसने उसके साथ अलग अलग चीजों की बातें की, उसे लाइवली बनाने के लिए, जिंदा दिल बनाने के लिए. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. Sue brought her drawing board into Jonsi's room and started painting. To take Jonsi's mind off her illness, she whistled while working. अब सू ने जॉन्सी को लाइट माइंडेड बनाने की कोशिश की. उसने उससे कपड़ों की, फैशन की, ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस की. लेकिन उसने क्या देखा, जॉन्सी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वो चुपचाप बेड में लेटी हुई है और बाहर की तरफ देख रही है. सू अपना ड्राइंग बोर्ड भी ले आई, उस पर पेंटिंग करने लगी और विसल कर रही थी अपनी लाइट माइंडेडनेस शो करने के लिए, ताकि जॉन्सी भी लाइट माइंडेड हो सके और लाइवली हो. सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. विस्पर मीन्स टू टॉक वेरी सॉफ्टली, बहुत ही धीरे धीमी आवाज में बोलना. शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स. सू ने क्या सुना, जॉन्सी बैकवर्ड्स काउंटिंग कर रही है. बैकवर्ड्स मीन्स 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7. सू एंक्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. एंक्शियसली मीन्स क्यूरियसली. अब जब जॉन्सी ऐसे रिवर्स गियर में काउंटिंग कर रही थी, तो सू बहुत क्यूरियस हो गई जानने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और उसने खिड़की के बाहर देखा.
And what did she see? She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. Here you can see, this is that ivy creeper. Sue ne dekha ke unki khidki ke bahar ye creeper laga hua hai. Bahut tez hawa chal rahi hai jiski wajah se is creeper ke patte gir rahe hain, jhad rahe hain. Aur ye jo reverse counting Johnsy kar rahi thi, ye kya thi? ये पत्तों के गिरने की काउंटिंग थी. जैसे ही एक पत्ता गिरता वो बोलती 12, नेक्स्ट पत्ता गिरता 11, कि कितने लीव्स बच गए हैं इस क्रीपर के ऊपर. व्हाट इज इट डियर, सू आस्क्ड. 6, विस्पर्ड जॉन्सी. दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ. 3 डेज अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ. इट इज ऑटम, सेड सू, एंड द लीव्स विल फॉल. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि Johnsy खिड़की से बाहर क्यों देख रही है. पिछले 3 दिनों से वो इस ईवी क्रीपर को ही देख रही है और वो कहती है कि 3 दिन पहले इस पर 100 लीव्स से भी ज्यादा थे और धीरे धीरे लीव्स गिर रहे हैं और अब इनके गिरने की स्पीड बढ़ गई है. अब सिर्फ 6 लीव्स बचे हैं और फिर वो कहती है कि जब आखिरी लीफ गिर जाएगा तब उसके साथ ही मैं भी मर जाऊंगी. और इतनी फाइनलिटी से वो बोलती है कि सू शॉक हो जाती है. सू कहती है कि ऑटम का सीजन है, ऑटम में तो पत्ते झड़ते ही हैं, तो तुम इसे अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट क्यों कर रही हो. लेकिन नहीं, जॉन्सी पे इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि 3 दिनों में उसने अपना माइंड बना लिया है कि अब वो मरने वाली है. ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. I don't want any soup, said Johnsy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. Sue कहती है कि तुम्हारी सारी बातें बकवास हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. किसी old क्रीपर के पत्तों के झड़ने से तुम्हारी हेल्थ का कोई रिलेशन नहीं है. और फिर वो कहती है कि डॉक्टर को पक्का पता है कि तुम ठीक हो जाओगी. लेकिन जॉन्सी ने अपने ठीक होने की सारी उम्मीदें खो दी हैं. उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया. सू उसके लिए सूप लेकर आई लेकिन उसने सूप भी नहीं पिया. वो कहती है मुझे भूख नहीं लगी है. और फिर वो कहती है कि अब इस पर सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं और मैं चाहती हूँ कि जो लास्ट लीफ है वो अंधेरा होने से पहले ही गिर जाए क्योंकि मैं उसे देखना चाहती हूँ और फिर उसके गिरते ही मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी, यानी कि मैं मर जाऊंगी. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जॉन्सी ने जीने की होप, जीने की चाहत छोड़ दी है. सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड, यू आर नॉट गोइंग टू डाई. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend, she begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. Sue Johnsy ke bed par baith gayi, use kiss karne lag gayi aur kehne lag gayi ki tum aise nahi marogi. Wo bahut dukhi thi Johnsy ki halat dekhkar. Wo kehti hai ki main parda band nahi karungi kyunki mujhe light chahiye. मुझे पेंटिंग करनी है ताकि मैं थोड़े से पैसे कमा सकूं क्योंकि पैसों की तो जरूरत उन्हें है ही. और फिर वो उसे बेग करती है, कहती है कि प्लीज तुम खिड़की से बाहर मत देखो. वो नहीं चाहती कि जॉन्सी पत्तों की तरफ देखती रहे और ये सोचती रहे कि आखिरी पत्ता कब गिरेगा क्योंकि उससे जॉन्सी के जो जीने के चांसेस है वो और कम होते जा रहे हैं. आगे क्या होता है? ऑलराइट सेड जॉन्सी, Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I'm tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully, like one of those poor, tired leaves. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Bearman up to be my model. Johnsy उसे कहती है कि ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग जल्दी से खत्म कर लो क्योंकि मैं वो आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ. और फिर वो ऐड करती है कि मैं मरना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आराम से मरने दो. जैसे ये बेचारे गरीब से दुखी थके हुए पत्ते हैं जो कि फटाफट इस क्रीपर पर से झड़ रहे हैं, ऐसे ही मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हूँ और थकी हुई हूँ और मैं भी मरना चाहती हूँ. सू ने उसे कहा कि सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है और उसके लिए मैं बेहरमैन को बुलाकर लाऊंगी जो कि मेरा मॉडल बनेगा.
बहरमैन कौन है? इन्हीं की बिल्डिंग में रहने वाला एक और पेंटर है, उसका नाम है बहरमैन। सू रश्ड डाउन। बहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Bahrman. She told him how Jhansi was convinced that she would die when the last leaf fell. अब सू फटाफट बर्मैन के पास जाती है, वो उसकी हेल्प मांग रही है। बर्मैन कौन है? एक 60-year-old पेंटर है और उसकी ये चाहत है कि वो एक मास्टरपीस पेंट करे। फटाफट से सू अपनी सारी बातें उसको बताती है कि कैसे जॉन्सी की हालत इतनी खराब है और वो जीना नहीं चाहती, वो मरना चाहती है, और वो ये कह रही है कि जैसे ही क्रीपर से आखिरी पत्ता गिरेगा वो भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड? आस्क्ड बर्मैन। हाउ कैन शी बी सो फूलिश? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंड सू। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। I will come with you and see Jhansi, Bahrman said. Bahrman ने कहा कि क्या वो बेवकूफ है? वो इतनी ज्यादा फूलिश कैसे हो सकती है कि वो ये सोच रही है कि जब लास्ट लीफ गिरेगा उसके साथ ही वो भी मर जाएगी। कोई कोरिलेशन नहीं है दोनों चीजों में। सू ने कहा कि उसे बहुत तेज बुखार है, वो कुछ खा नहीं रही है, कुछ पी नहीं रही है, और मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। बहरमैन ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और Jhansi को देखता हूँ। They tiptoed into the room. Tiptoed means to walk very quietly. दबे पांव चलना। Jhansi was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Bahrman did not say a word. He went back to his room. Jhansi अपने कमरे में सो रही थी। सू ने कर्टन्स बंद किए और वो दूसरे कमरे में गई। वहां पे उसने खिड़की से बाहर क्रीपर को देखा। उसके ऊपर सिर्फ एक पत्ता बचा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसने ये क्रीपर बर्मैन को दिखाया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे लग रहा था कि पत्ता कभी भी गिर सकता है। बर्मैन ने ये पत्ता देखकर कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप वहां से चला गया। Jhansi woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Feeble means weak, to be कमजोर होना. Nervous means घबराना. Reluctantly means hesitantly, रुक रुक के. Jhansi अगली सुबह जब उठती है वो बहुत ही कमजोर आवाज से सू को कहती है कि प्लीज कर्टन हटाओ। वो कर्टन हटाने के लिए उसे क्यों कहती है? क्योंकि वो इस क्रीपर को देखना चाहती है और देखना चाहती है कि इस पे कोई पत्ता बचा है या नहीं, क्योंकि लास्ट लीफ गिरते ही वो भी मरेगी, ये ऐसा उसका सोचना है। तो बहुत ही रिलक्टेंटली, बहुत ही हेजिटेटिंगली सू ने कर्टन हटाया, बिकॉज वो भी डर रही है कि अगर क्रीपर पे एक भी पत्ता ना हुआ तो क्या होगा। Jhansi सोचेगी कि अब उसे मरना है। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall. Storm means tufan and fierce winds means very strong winds. Creeper ko dekhkar Sue bahut hairan thi aur wo kehti hai, are wah, ek patta abhi bhi creeper par laga hua hai. Aur wo kehti hai ki patta bahut hi hara aur acha lag raha hai. और वो बड़ी हैरान है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तूफान आया था, इतनी तेज हवाएं चली थी, लेकिन फिर भी ये पत्ता गिरा नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड Jhansi. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। यू वोंट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। Jhansi कहती है कि मैंने रात को हवा की आवाजें सुनी थी और मुझे तो पक्का यकीन था कि ये पत्ता गिर ही जाएगा और जैसे ही ये गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। सू कहती है कि नहीं, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपनी फ्रेंड्स के लिए जीना है, और अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। Jhansi स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आईज। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall.
Jhansi lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. Jhansi ne apni aankhe band kar li. Har ek do ghanton ke baad wo khidki se bahar dekhti thi aur wo hairan thi ke patta abhi tak gira nahi. Sham ko ek aur tufaan aaya lekin patta gira nahi. Jhansi leti rahi aur us patte ko dekhti rahi aur finally usne Sue ko bulaya. I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. Sue hugged Jhansi. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Jhansi combed her hair and smiled brightly. Ab kya hua? Ye jo patta hai. This is hope for Jhansi. जब जॉनसी ने ये देखा कि इतनी स्ट्रॉन्ग तूफान इतने स्ट्रॉन्ग जो स्टॉर्म्स आए वो भी इस पत्ते को घेर नहीं पाए उससे उसे हिम्मत मिली स्ट्रेंथ मिली जीने की और डिजायर मिली उसने सू को कहा कि मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ तुमने मेरा इतना ध्यान रखा मेरी इतनी मदद की लेकिन मैं हर वक्त डिप्रेस्ड रही सैड रही कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ये लास्ट लीफ से मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मैं कितनी बुरी हूँ कितनी गलत हूँ और उसे ये रियलाइज हुआ कि मरने की चाहत रखना एक पाप है यू शुड नेवर फील लाइक दैट यू वॉन्ट टू डाई इट इज अ सिन टू फील लाइक दैट सू बहुत खुश थी कि जॉनसी फाइनली ठीक हो गई है उसके जीने की चाहत वापस आ गई है फिर उसने जॉनसी को सूप पिलाया उसे एक मिरर दिया जॉनसी ने अपने बाल कोम किए और वापस से जॉनसी के अंदर जीने की चाहत जाग उठी अब ये जो लास्ट लीफ है जो अभी तक क्रीपर पे लगा हुआ है इसका क्या राज है आइए जानते हैं इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू जॉनसी नाउ हैज द विल टू लिव आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स एंड सी बर्मैन He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. The next morning, Sue came and sat on Jhansi's bed. Taking Jhansi's hand in hers, she said, I have something to tell you. उस दिन जब दोपहर को डॉक्टर आए जॉनसी को देखने के लिए तो उसने सू को कहा कि अब फाइनली जॉनसी के दिल में जीने की चाहत है और वो ठीक हो जाएगी फिर उसने कहा कि मुझे नीचे जाना है बर्मैन को चेक करना है क्योंकि वो भी न्यूमोनिया से सफर कर रहा है और उसके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है अगली सुबह सू जॉनसी के पास आई और उसने जॉनसी को कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है क्या बताया उसने जॉनसी को मिस्टर बर्मैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग ही वॉज इल फॉर ओनली टू डेज द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. Janitor is a person whose job is to look after the building. A caretaker. Ek aisa insaan jo ki building mein safai karta hai, building ka dhyan rakhta hai. Sue ne Jhansi ko bataya ki us subah Bermann pneumonia ki wajah se mar gaya tha. Use sirf 2 din se pneumonia hua tha. तो ये 2 दिन कौन से थे जब से उसे निमोनिया हुआ था वो एक तूफानी रात को बाहर था और उसकी वजह से उसके कपड़े और जूते गीले हो गए थे वो कांप रहा था और जैनिटर ने देखा कि वो अपने बेड पर लेटा हुआ कांप रहा है वो बाहर क्यों गया था तूफानी रात में ये देखिए लास्ट लीफ पेंट करने के लिए आगे पढ़ते हैं देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Jhansi, dear, said Sue, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Bermann's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. So, this is the masterpiece that Bermann has painted. सू कहती है कि बर्मैन के बेड के साइड पर एक सीढ़ी भी पड़ी थी एक लैंटर्न भी पड़ी थी पेंटिंग के ब्रशेस पड़े थे और ग्रीन और येलो कलर का पेंट भी पड़ा हुआ था जिससे ये पता चला कि ये जो लास्ट लीफ है जो कि हवा चलने पर हिलता भी नहीं है इसे बर्मैन ने पेंट किया है और ये उसके द्वारा पेंट किया गया मास्टरपीस है बिकॉज ये एकदम रियलिस्टिक लगता है और फिर वो जॉनसी को बताती है कि जिस रात लास्ट लीफ क्रीपर से गिरा उस रात बर्मैन ने ये पत्ता यहाँ पर पेंट कर दिया
जिससे कि जॉन्सी को होप मिली जीने की और आज वो ठीक हो गई। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि बर्मन ने, एक आर्टिस्ट ने एक मास्टरपीस बनाया और उसकी इतनी वैल्यू है, उसके मास्टरपीस को जॉन्सी ने एक रियल लीव समझा और उसे ये लगा कि ये लीव कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, इतने तूफान में भी ये इस क्रीपर पे टंगा हुआ है, यहां से गिरा नहीं। और इसी से जॉन्सी को रियलाइज हुआ कि वो कितना अपने आप को वीक फील कर रही थी, उसे स्ट्रेंथ मिली और फाइनली उसके जीने की चाहत जाग उठी। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अकेडमी।